गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का वीडियो है मेंटेनेंस के ऊपर। और एक भाई कमेंट कर रहे थे कि भैया आप मेंटेनेंस का वीडियो क्यों नहीं बनाते क्यों नहीं बनाते। तो ठीक है, आज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेंटेनेंस के बारे में पहली बात है, आपको ये चीज़ बता दूं कि मेंटेनेंस एक जर्मन शेफर्ड का कभी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि इनका जो मेंटेनेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट, जो लोग बोलते हैं लॉन्ग कोट का ज़्यादा मेंटेनेंस है शॉर्ट कोट का कम है, तो ये पूरा गलत है। आपको शॉर्ट कोट का भी मेंटेनेंस ज़्यादा है, लॉन्ग कोट का भी मेंटेनेंस ज़्यादा है। अगर आप लॉन्ग कोट लाते हैं तो लॉन्ग कोट में आपका मेंटेनेंस क्या रहता है पहली बार, और कॉस्टिंग कितना रहता है। ठीक है, अभी ये जो अभी ये एक फ़ीमेल है, पकड़ लो 16 महीने की फ़ीमेल है। ठीक है, 16 महीने की फ़ीमेल, एक दिन में इसका कितना फीडिंग जाता है या एक मेल का कितना फीडिंग जाता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। अगर ये मैं इस फीमेल की अभी मेंटेनेंस पकड़ूँ, ठीक है, तो अभी इसका पर डे में आप सुबह दही पकड़ लो, ठीक है, जो वो बोल रहे थे भैया कॉस्टिंग कितना आता है पर मंथ का, पर मंथ का आपको अगर बता दूँ तो एक डॉग के पीछे, ठीक है, अभी अगर इसका हो गया सुबह एक दही पैकेट, ठीक है, एक दही पैकेट आपका हो गया 40 रुपये का, ठीक है, 40 रुपये का एक दही पैकेट। फिर दोपहर को वही दही, मतलब 20-20 आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो गया यहीं पे 40 रुपये आपका सुबह हो गया। फिर रात को एक डॉग खाएगा 300 से 400 ग्राम चिकन, ठीक है, चिकन में क्या चाहिए, चिकन में हमको वो जो हड्डी पीस होता है, ठीक है, और पंजा होता है, और यही सब चाहिए। ठीक है, तो ये सब मेन ये है, दिखाते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, शायद मे भी चलो मैं वही सोच क्या लगा क्या गुस्सा हुआ था, मेरे को लगा मेरे डॉग्स में तो टिक्स नहीं होते, ये कहाँ से टिक आ गया, टिक नहीं था वो, क्या एक लग गया था उस पर। ठीक है, लाला इधर आ, हाँ तो कॉस्टिंग पे भटक गया था। अभी कॉस्टिंग की बात बताता हूँ, सुबह हो गया आपका दोपहर तक 40 रुपये, ठीक है, फिर डॉग फीड, डॉग फीड आपका एक महीने का पकड़ा जाता है, एक महीने का अगर एक डॉग आपका आप देते हो तीन, मतलब एक दिन में 300 ग्राम तक खा लेता है, मतलब डॉग फीड दही के साथ देना चाहिए। ठीक है, घूमने दो उसको, आ जा लैला इधर आ जा इधर आ, ठीक है, हो गया 300 ग्राम खा लिया उसने, तो एक महीने में कम से कम वो 3 किलो तक तो आराम से, 3-4-5 किलो तक तो आराम से डॉग फीड हो जाएगा। वो मैटर करता है आपके ऊपर कि मैं अपने डॉग को कैसा प्रोटीन दूँ। अगर आप सोचेंगे मेरे को सस्ता चाहिए, ठीक है, सस्ता मतलब आप अगर सस्ता ब्रांड मतलब लेते हैं तो उसका कॉस्टिंग अलग आता है, अगर अच्छा ब्रांड लेते हैं जिसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है 30-33 तो उसका प्राइस ज़्यादा आता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं भैया कितना खर्चा आएगा एक महीने, भैया ऐसे कोई नहीं बता पाएगा। अगर आपका डॉग का कभी बीमारी हो गया तो उसका भी कॉस्टिंग आपको पकड़ना पड़ेगा ना, है ना। और एक चीज़, जर्मन शेफर्ड हर एक 6 महीने में एक बार, हर 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लीवर किडनी इसका प्रॉब्लम बहुत आता है जर्मन शेफर्ड में, ठीक है, तो आपको हर 6 महीने, 1 साल में या फिर एक बार ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट नहीं करना कराने से, क्योंकि डॉग का इंटरनल क्या प्रॉब्लम हो रहा है अगर खाना अच्छे से नहीं खा रहा है। गर्मी के दिन में तो डॉग खाना पूरा डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न है। आपको बता देता हूँ, गर्मी के दिन लीवर टॉनिक 1 महीना दे के पूरा बंद कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यू रखना। अगर कंटिन्यू नहीं रखते हो, ओए लैला लैला अंदर चली गई, इधर आ, दिखा वहां पे, ओए लैला लैला इधर आ, दौड़ गया इत्थे आ, इधर इधर गई थी, हाँ सॉली कमीनी, इधर आ बैठ, इधर बैठ, अबे बैठ, ठीक है। तो अभी हम अगर हम बोलेंगे कि मेंटेनेंस के बारे में, तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं गलत मतलब वीडियो के चक्कर में गलत आपको नहीं बताना चाहता, ठीक है,
मेंटेनेंस आपके ऊपर है, ठीक है। दही चूड़ा भी दे सकते हैं सुबह, ठीक है, वो आपका सस्ता पड़ेगा। अगर सस्ता में मैं आपको बता दूं तो बड़े डॉग्स दो टाइम खाना देना चाहिए, तीन टाइम नहीं देना चाहिए। तो इनका डाइजेशन मतलब जैसे ह्यूमन में डाइजेस्ट आराम से हो जाता है, लेकिन एक जो डॉग्स होते हैं उनका डाइजेस्टम जो सिस्टम होता है बहुत मतलब लो होता है, ठीक है। तो इन लोगों को हमको ज़्यादा ओवरफीड नहीं देना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज अगर आपका डॉग कर रहा है, पूरा एक्सरसाइज मतलब हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो आप तीन टाइम दे सकते हैं। अगर पूरा एक्सरसाइज नहीं करके घर पे घूम रहा है तो दो टाइम, ठीक है। हम भी फार्म में दो टाइम ही खाना देते हैं, एक सुबह एक रात को। सुबह हम क्या देते हैं, दही देते हैं, चूड़ा देते हैं कभी कभी, कभी कभी हम डॉग फीड भी दे देते हैं, ठीक है। तो ओवर फीड देने से क्या होता है, डॉग डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, फिर मेडिकल लेके दौड़ोगे, ठीक है। अगर ठीक हो गया अच्छी बात है, गैस मेडिसिन इस सब से अगर ठीक हो गया, या फिर अगर सीज़न चेंज हो रहा होगा तो गया, फिर मेडिकल ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मेडिकल लेके जाना पड़ेगा। इस सब झंझट में क्यों आना है। और एक बात मैं ये बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी मेंटेनेंस मतलब कॉस्टिंग कभी पकड़ा नहीं जाता है, ठीक है। कॉस्टिंग अगर आप एक डॉग खरीद रहे हैं, जर्मन शेफर्ड आप खरीद रहे हैं, कि जो भी ब्रीड आप खरीद रहे हैं, आप अगर हिसाब करके खरीदेंगे, अगर आप पे घर नहीं है आपके पास, अगर वैसा आपके पास एक सोर्स नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब आपके पास कमाई का जरिया कुछ नहीं है, तो आप एक उसको खाना देने का ये मत समझिएगा एक महीने में इसका 1,000-2,000 हो जाएगा, फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये चीज़ ज़्यादा देख रहा हूँ, लोग फीमेल ज़्यादा इसीलिए ख़रीदते हैं क्योंकि ब्रीडिंग उससे इन फ्यूचर अच्छे से, लेकिन वो लोग पागल हैं, ठीक है। ब्रीडिंग इतनी आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगता है इसमें, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं ले गए पैसा एक से कमा लिया, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप जितने अगर शौक से पाल रहे हैं, दो हीट तीन हीट छोड़ दो, उसके बाद मेटिंग कराओ, एक बार करा लो, मतलब एक साल में एक बार लीटर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन छः महीने को छः महीने जैसे लेते हैं वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, डॉग भी आपका ख़राब होता है, ठीक है। अच्छा मेंटेन करके रखना है। अगर शौक में पालना है, शौक में पालना है, तो फिर आप अच्छा उसको फीड दीजिए, अच्छा डॉग फीड भी दीजिए, अच्छा उसको प्रोटीन दीजिए, चिकन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स में कैरेट आपका वेजिटेबल में कैरेट दे सकते हैं, फिर हमारा ककड़ी दे सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। आप जैसे उनको बनाएंगे, जैसा उनको अच्छा हेल्दी फूड देंगे, डॉग ऐसे ही अच्छा निखर के आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट मैं मेरे को भी नहीं पता मेरा कितना कॉस्टिंग आता है एक महीने में, मेरे को माफ़ कर देना अगर इस वीडियो में अगर आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया हूँ हमारा कॉस्टिंग के बारे में, क्योंकि देखिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। वीडियो में बता दिया, व्यू चला गया, शेयर हो गया, उसमें कुछ फ़ायदा है नहीं, सामने वाले का लॉस है। क्योंकि अगर आप लेके आ रहे हो तो फिर अगर आप उसको सस्ता फीड दोगे, जैसे सुबह रोटी दे दिया बस ख़त्म, ये मतलब जो एक स्ट्रीट डॉग भी बाहर घूम घूम के हर एक जगह अगर खा के आएगा, उसका भी पेट फुल हो जाता है, ठीक है, फ्री में खा के आता है। तो आप अगर घर पे एक जर्मन शेफर्ड इतना रुपए दे के लेके आ रहे हो, उसको अगर ऐसा मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो वो आपका गलती है, मालिक मेन गद्दार होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप गद्दार हो, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं मेरे एक भी डॉग अगर एक टाइम भी भूखा रह गया, मतलब एक टाइम उसने खाना भी छोड़ दिया, तो मेरा दिमाग एक मिनट में, मैं तुरंत यूँ चुटकी में मैं सर को बुलाता हूँ, पहले सर को बुलाता हूँ, हमारे जो डॉक्टर हैं हिमाद्री सर ट्रीटमेंट करते हैं, तो मैं उनको पहले फर्स्ट कॉल उनके पास जाता है। ऐसा मतलब हफ्ते में एक दो बार होता ही रहता है, क्योंकि किस दिन ओवरफीड हो गया, किस दिन मतलब ज़्यादा खा लेता है, किस दिन कम खा लेता है, वो टेंशन रहता है। क्योंकि गर्मी के दिन में डॉग क्या करता है, बहुत मतलब कम खाता है। जर्मन शेफर्ड तो इतने नखरे दिखाते हैं, मतलब आदमी चिढ़ जाएगा, एक एक टाइम खाएंगे नहीं, एक एक टाइम तो खाएंगे ही नहीं, फिर क्या करोगे। डॉग को आप इतना अच्छा फूड दे के उसको अगर इतना निखार रहे हो, ठीक है, अगर वो एक टाइम दो टाइम नहीं खाएगा तो डॉग तो पतला हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, रॉ चिकन अगर जो लोग बचपन से ले रहे हैं तो रॉ चिकन देना ही अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि बॉइल्ड करके देने से उसमें जो प्रोटीन है वो भी निकल जाता है ज़्यादा, ठीक है। तो रॉ चिकन दीजिए, क्योंकि मेरे आधे डॉग्स भी मैं रॉ चिकन पे अभी ला रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों का पहले से हैबिट है कि
बॉइल्ड खाने को, तो अभी मैं रॉ में धीरे धीरे अभी इनको भी कन्वर्ट कर लूँगा। तो अगर रॉ में ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं उस पर भी एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आपको बता दिया कितना क्या लगता है, ठीक है। नॉर्मली एक बता दिया, एक डॉग पे एक महीने में कम से कम 5,000 तक तो आराम से लगेगा, 4,000 तो पकड़ के ही चलो, क्योंकि अच्छा दही दही आपका 40x30 कितना हो गया, 1200 रुपये तो यहीं पे आपका ख़त्म हो गया, है ना। 1200 रुपये तो आपको गर्मी के दिन का बता रहा हूँ, अभी तो 1200 रुपये आपका यहीं पे गया, ठीक है। डॉग फीड आपका पकड़ लो, आपका डॉग खा लिया एक टाइम में 100 ग्राम भी, इतना भी देते हो, ठीक है, दही में डाल के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक महीने में आपका कम से कम 2 kg तो लग जाएगा, लग जाएगा आराम से। 2 kg का प्राइस पकड़ लो, अगर सस्ता लेते हो तो वही 500 तक आ जाता है, 400-500 तक। अगर महंगा वाला लेते हो तो पकड़ लो वही 1200 तक आ जाता है। तो यहीं पे अगर हम सस्ता वाला पकड़े तो अलग एक उसका हिसाब होता है, अगर महंगा वाला लेते हैं उसका एक अलग हिसाब होता है, ठीक है। तो और भी हो गया, फिर और बताता हूँ उसका मल्टीविटामिन कैल्शियम, इसका तो एक पकड़ लो, इसका एक महीने में 500 रुपये पकड़ लो, क्योंकि अगर आप मल्टीविटामिन टैबलेट लाते हो, जैसे पेट टैब आप लेके आए, पेट टैब आता है मार्केट में 850 या 900 रुपये तक आता है, ठीक है। तो उसको एक पकड़ लो, वो 60 टैबलेट है, 60 टैबलेट चला जाएगा 2 महीने, 2 महीने में आपका कितना खर्चा हुआ, 900 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 450, ठीक है। अगर अच्छा आप उसको मेंटेन कर रहे हो, एक अच्छा वाला मेंटेनेंस होता है, एक मतलब नॉर्मल मेंटेनेंस होता है, वो आपके ऊपर है, मालिक के ऊपर, उनका बजट के ऊपर है, ठीक है। सस्ता प्रोडक्ट भी आता है, महंगा प्रोडक्ट भी आता है, डिफरेंस लेकिन यहाँ से यहाँ तक होता है। आपको चूज़ करना है आपके डॉग को क्या मतलब चाहिए, आपको कैसा बनाना है, बनाने के ऊपर होता है। जर्मन शेफर्ड एक स्केल डॉग है, पूरा स्केल है, ठीक है। इसको अगर मोटा करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। ये देखिए मेरे डॉग, ये मेरी फीमेल है, ठीक है, मैं अपनी फीमेल दिखा रहा हूँ। इसका बोन साइज़ आप देखिए, एक बार बोन साइज़ देखिए, ठीक है, ऐसे क्यों है, मतलब फीमेल्स के आपने देखे होंगे इतने पतले पतले होते हैं, इसके देखिए एक मेल की तरह बोन क्यों है। मेंटेनेंस अच्छा है, ठीक है, और मतलब बहुत केयर में रहती है, ठीक है। तो हाँ, और एक वीडियो, कल एक वीडियो आएगा कान साफ करने का, तो कल क्या क्या चाहिए कान साफ करने के लिए, अभी देख लिया, इसका कान थोड़ा गंदा हो रखा है, इसका भी, ओए इधर आना, इधर आवे, इसके नॉर्मल है, इसके कल एक कान साफ करने वाला वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय, जय हिंद।